अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में, आपका होस्ट पीर बख्श अलवी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, ये मौसम चल रहा है इस वक्त अचार डालने का ना, तो इन दिनों में लोग आम का अचार डालते हैं या फिर ये लसूड़े का अचार डालते हैं, इस तरह से मज़ीद कुछ चीज़ें होती हैं, मर्चें मिक्स कर लेते हैं, अचार बनाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो गाँव देहातों के लोग होते हैं ना, वो लसूड़े का यूज़ करते हैं अचार डालने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये भाई कहते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं जानता हूँ इसके बारे में कि आपने अच्छे लसूड़े की पहचान कैसे करनी है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सा ख़रीदना चाहिए कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए। आइए इनसे मिलते हैं और मालूमात लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? शहजाद। अच्छा शहजाद भाई, आप बता रहे हैं कि आप एक्सपर्ट हैं लसूड़े के हवाले से, कि आप बताते हैं किस तरह से इसकी मालूमात लगती है, पता कैसे चलता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा ऐसा है कि जिसका अचार डाला जा सकता है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये भाई जी, एक ये दो तरह के लसूड़े होते हैं जी। एक लसूड़ा होता है जिसके अंदर बीज में कीड़ा होता है, बीज के अंदर कुदरती, और एक होता है वो अच्छे वाला होता है, उस पर स्प्रे की होती है किसानों ने, जो किसान स्प्रे करते हैं उसमें कीड़ा नहीं होता उसके हड्डी में, ठीक है। और जो लोग मुफ्ते का माल बालते हैं कि घर पे सोए और फल लग गया उठा के ले आए, उसके अंदर कीड़े होते हैं, ठीक है। नहीं, आप बता रहे थे ना कि ये देख के पता चल जाता है, अब ये बाहर है तो इस देख के कैसे पता चलेगा कि यार इसके अंदर कीड़ा है या नहीं है? वो ये वाला दाना ना, इसमें कीड़ा है, ये देखें। अच्छा, ये आप ले आए, ये चेक करें, ये आपने मतलब इसको उठाया तो आपको कैसे पता चल गया कि इसके? तो ये इसको तोड़ दी, ये इसमें भी कीड़ा, क्योंकि मैं इधर लोगों के कीड़े निकालता रहता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाए। ये देखे, होगा की आप तो ये खुद अपनी इस अड्डे से उठा के दिखा रहे कीड़े वाला माल, तो इसका हल क्या है? ये हल ये है की जो अच्छे पैसे देगा उसको अच्छी चीज भी मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसके इसके अलावा भी आपके पास माल पड़ा हुआ है? ये अच्छे वाला, ये अब आए तो किसानों, यार वाकई में बंदा तजर्बाकार है, इसने उठाया उठा के कहते हैं जी इसके अंदर कीड़ा है, उसको इसने दबा के दिखाया, वाकई में उसके अंदर जो गुठली थी उसके अंदर कीड़ा था, और अभी इसने उठाया कहते हैं कि इसके अंदर कीड़ा नहीं है, और वाकई में ये ठीक निकला है। ये देखे, अब इनको कहते हैं कि यार ये अच्छे वाला है, ये बुरा है, ये 200 रुपया, ये 100 रुपया दड़ी है। अच्छा, वो कहते ये 100 वाला दे दे यार, कीड़ा मारा कीड़े वाला, कीड़ा खुद ही मर जाएगा, खुद मार लेंगे। हमारी आवाज है प्याज सस्ता करें, ये सब कुछ सस्ता करें, उन्हें बोले नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ की बेटी है ना, वो इसकी अम्मी लगती है। अच्छा, अच्छा, वो जल्दी इसकी बात मान लेगी, चल जाएगी पहले। तो वह तू तो इसलिए हर बंदे को चाहिए कि अच्छी चीज ले, ठीक है। हमारे पास तो जिम्मेदार आते हैं, उनका ही माल बेचना हम। अच्छा नाजरीन, ये देखते हैं भाई साथ में ये आम लेकर बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या आम की क्या पहचान है, कि ये अच्छे वाला कौन सा होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, किधर से लेते हैं? जिम्मेदार से लेते हैं। नहीं, ये जो आप लेके बैठे हुए आम अचार डालने वाले, तो इसमें क्या पहचान होती है कि कौन सा वाला है उसके अचार डालना चाहिए नहीं डालना? सबको पता लगता है अच्छे वाला हल्के वाला, अल्लाह पाक ने दिए सबको पता। नहीं, जैसे उन्होंने पहचान बताई है, कोई आपके पास इस तरह की कोई निशानी नहीं है? कोई निशानी नहीं। ये पहलवान भाई कह रहे हैं, ये मजाक की बात है, कह रहे हैं जी इनको अपना बस ये खाने पीने का पता है, गोला खाने का पता है इनको, इनको पहचान का नहीं पता है। तो नाजरीन, ये आपने देखा कि भाई ने बता दिया, बहुत ज़बरदस्त, वाकई में एक्सपर्ट हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन वाकई में इस चीज़ के बारे में रखते हैं। तो ये इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।